हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इज लाइव विद वर्षा। हाजिर हूँ मैं एक नए प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर। आज का जो मेरा प्रोडक्ट है वो आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा, क्योंकि वैसे तो सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत होती है, पर गर्मी में ज़्यादातर लोग सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बाकी मौसम में बहुत सारे लोग सिर्फ मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करते हैं, सनस्क्रीन नहीं इस्तेमाल करते। लेकिन गर्मियों में हर किसी को ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन नहीं इस्तेमाल करते हो तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल और डैमेज हो जाती है। तो गर्मियों में आपको सनस्क्रीन इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सनस्क्रीन कैसा होना चाहिए, आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कौन सा सनस्क्रीन आपके लिए अच्छा है, हम जानेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, मेरे पास है ये रेनी ब्रांड, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही अच्छा ब्रांड है, बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके। ये देख रहे हैं आप, ये इस तरीके का बॉक्स रिसीव हुआ है मुझे। इसमें आपको मिल जाता है रेनी का SPF 50 सनस्क्रीन, एक आपको लिप ग्लॉस और दो मस्कारा है, एक के साथ एक फ्री मिला था। सो मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें मुझे रिसीव हुई हैं 900 रुपीज़ में, तो आप भी इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, और मेरा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन। चलिए यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ। वैसे तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, इस बॉक्स में मुझे रिसीव हुई थी मस्कारा, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ, पर सारी चीज़ों का रिव्यू मैं करने वाली नहीं हूँ यहाँ पे। रिव्यू मैं सिर्फ करूँगी सनस्क्रीन का, क्योंकि जब सबका अगर करूँगी तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सिंगल रिव्यूज़ आएंगे मेरे दूसरे वीडियोस में, वहाँ पे आप देख सकते हो। फिलहाल हम बात करने वाले हैं इसकी। ये है मेरे पास रेने का ऑल सीजन इनविजिबल सनस्क्रीन जेल। ये सनस्क्रीन जेल है, SPF 50 के साथ आता है, 50 ml की बॉटल है ये, ट्यूब है ये, और ये आपको रिसीव होता है 350 rupees की प्राइस में। सेल्फ लाइफ की बात करूं तो 525 इसकी सेल्फ लाइफ है, और इसमें है आपको मिल जाता है UVA एंड UVB प्रोटेक्शन, PA++, ब्लू लाइट प्रोटेक्शन, एनरिच विद एलोवेरा, एंड ऑल स्किन टाइप है ये, सब तरह के स्किन वाले इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें दिया गया है वाटर एंड स्वेट रेसिस्टेंट, ब्रॉड स्पेक्ट्रम लीव्स, नो वाइट कास्ट, तो यस नहीं है इसमें। एंड मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको, तो ये इस तरीके का ट्यूब फॉर्म में आता है। इसका बात करूँ इसके टेक्सचर की, तो ये देखिए ये बिल्कुल जेल फॉर्म में है, दिख रहे हैं जैसे कि टूथपेस्ट हो, बिल्कुल जेल जैसा ही लग रहा है ये, और स्किन में भी फटाफट से ये अब्सॉर्ब हो गया है, ज्यादा टाइम नहीं लिया इसने, अच्छे से अब्सॉर्ब हो गया है। बिल्कुल इसका टेक्सचर जो है ना वो मुझे एलोवेरा जैसा लगा, जैसे कि एलोवेरा जेल हम यूज करते हैं ना, सेम वैसा है। फ्रेग्रेंस की बात करूं तो किसी तरह की इसमें फ्रेग्रेंस है नहीं, और ये देखिए बिल्कुल भी मॉइस्चराइजर नहीं लग रहा है, जेल बेस्ड है, और काफी स्किन स्मूथ लग रही है, तो काफी सही है ये। देखिए ड्राइनेस डिफरेंस दिख रहा है क्या, ये मेरी स्किन है इस हैंड की एंड ये इस हैंड की, ये देखिए, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अब मैं आपको इसको आपके अपने फेस पे, ये जेल बेस जैसा कि मैंने बताया, ये देखिए काफ़ी देर तक ये देखिए टिका रह सकता है, गिरेगा नहीं, तो अच्छा है प्रोडक्ट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इजीली आपके स्किन पे अब्सॉर्ब हो रहा है, और एक स्मूथ सा टेक्सचर दे रहा है ये, काफ़ी स्मूथ लग रहा है, काफ़ी सॉफ्ट लग रही है स्किन,
तो मुझे लगता है कि इसके यूज़ के बाद आपको मॉइस्चराइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मॉइस्चराइज़र का भी काम कर रहा है बिकॉज ऑफ एलोवेरा है इसके अंदर, तो ये काफ़ी हद तक स्किन को मॉइस्चराइज़ कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस, अगर आप चाहें तो आप इसके बाद मॉइस्चराइज़र बिना अप्लाई किए भी बाहर जा सकते हैं, लेकिन मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना ज़रूरी होता है। बट ये मॉइस्चराइज़र का भी काम कर रहा है सिर्फ 15 मिनट बिफोर सन एक्सपोजर। सन के एक्सपोजर में आने के 15 मिनट पहले आपको अप्लाई करना है, 2 घंटे नहीं, 15 मिनट पहले, आई एम सॉरी, तो 15 मिनट पहले आपको अप्लाई करना है। या आप भी जब बात लेते हैं, घर में भी हैं, आप बाहर नहीं जा रहे हैं, तो मैं तो कहूँगी कि सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये ऑल स्किन टाइप है, तो यहाँ पे ड्राई, नॉर्मल या फिर ऑयली स्किन का सवाल ही नहीं होता। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी आप यूज़ कर सकते हो, ड्राई है तो भी आप यूज़ कर सकते हो। ड्राई स्किन के साथ ये फटाफट से अब्जॉर्ब हो जाता है, और क्योंकि जेल बेस्ड है तो मुझे नहीं लगता कि आपके, क्योंकि इसमें मैंने आपको जैसे बताया एक मॉइस्चर है, ये मॉइस्चर को लॉक करता है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली भी है तो ये एक्सेस ऑयल अगर आता भी है तो ये मुझे लगता है कि स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, एक्सेस ऑयल को आने नहीं देगा। और ड्राई स्किन है तो भी ये स्किन में इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है और स्किन में ड्राइनेस नहीं होती, स्किन सॉफ्ट लगती है। तो दोनों ही तरीकों में मुझे ये काफ़ी सही लग रहा है। 50 ml कॉस्ट जो है 390 है, तो कॉस्ट तो ऑब्वियसली ज़्यादा है, बट जिस तरीके का इसका प्राइस है मुझे काफ़ी सही भी लग रहा है। तो आप यूज़ करके देख सकते हैं, आप इसको दिन में हर दो घंटे पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको नीड है तो। वैसे इसमें SPF 15 है, मोस्टली SPF 50 है, सॉरी, मोस्टली SPF 15 या SPF 25 या 35 ये काफ़ी होते हैं हमारी स्किन के लिए, बट इसमें SPF 50 बहुत ज़्यादा हो गया आपके स्किन के लिए। तो मुझे लगता है कि दिन में 2 बार ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से उनके स्किन में इरिटेशन वगैरह हो जाती है या फिर उनकी स्किन ब्लैकनेस भी आने लग जाती है। तो सनस्क्रीन जो है उसका भी एक तरीका होता है, आप सुबह शाम 2 बार, या सन में बाहर जा रहे हैं, घर में है तो आपका 1 बार 2 बार काफ़ी है। अगर बाहर जा रहे हैं आप तो अप्लाई कर सकते हो ज़्यादा बार। वैसे SPF 50 है तो 1 बार मुझे लगता है काफ़ी है, 4-5 घंटे इजिली चलता है ये। एंड PA++ तो काफ़ी इफेक्टिव है और ऑल स्किन टाइप है, तो रेनी ब्रांड काफ़ी अच्छा है। और बाकी के जो भी इसमें मस्कारा और बाकी चीज़ें आई हैं उनका रिव्यू मैं करूँगी सेपरेट, क्योंकि एक वीडियो में, वीडियो बहुत लंबा होता है फिर आप लोग देखते नहीं हो, तो मैं उनका सेपरेट वीडियो लेकर आने वाली हूँ इसके बाद। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, मेरा इंस्टाग्राम ID EasyLifeWithVarsha है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड होते हैं, सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ अपलोड होते हैं, प्रोडक्ट्स अपलोड होते हैं जो मेरे यूट्यूब पे नहीं है वो भी इंस्टा पे आपको मिलेंगे। तो आप वहाँ जाइए, मुझे EasyLifeWithVarsha इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो तो, आपको पसंद हो तो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।